वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है घर से। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और जस्ट अभी थोड़ी देर पहले सो के उठा हूँ। और मैंने अभी उठने के बाद बेबी को कॉल करा और नैन को कॉल करा, भाई किसी ने फोन नहीं उठाया। और आज मेरा मन है भाई पीएस जाने का, मैं यहाँ पे इटारसी में उनके साथ गया भी नहीं भाई, तो इसलिए भी। और वैसे भी मैं कल या शायद परसों निकल जाऊँगा वापस भोपाल के लिए, क्योंकि दादा दादी जी भी घर पे नहीं है, गाँव गए थोड़ा काम से, वो आएंगे 4-5 दिन बाद। और इसके बाद फिर मुझे भोपाल जाके भाई कोचिंग ज्वाइन करनी है, सो इसीलिए फिलहाल देखते हैं। अभी नहा धो के रेडी होता हूँ और फिर देखते हैं बेबी आएगा शायद यार, तो फिर मैं निकल जाऊंगा नैन के पास। तो भाई जस्ट अभी नहा के आया हूँ और अपने घर पे देखो कौन आया, बिग बॉस का चैंपियन पुणे सुपरस्टार। भाई शक्ल तो दिखाई तेरी शक्ल अच्छी नहीं आ रही। मैं नहीं हूँ इटारसी का लोकल पुणे सुपरस्टार। एक बार वैसा या वो वाला ये तब जाके काम से रहे था मार्कशीट लेने कहाँ आ रहे तरुंदा निकालते अपने छोटी बुलेट को, ये खड़ी हुई है। तो गाइस अभी यहाँ पे रुके हुए हैं फिल अप करवाने के लिए। फिलहाल ये चेक करो अभी का मौसम, अभी इतनी देर पहले भाई मौसम थोड़ा ऐसा ही था, बारिश वाला हवा चल रही थी, बट अब चेक करो भाई थोड़ी ऐसी कड़ा कड़ा धूप निकली, पूछो मत भाई। मेरा एक सजेशन है अभी बाहर निकलो तो भाई ठंडी कपड़े, बरसात के लिए छाता या फिर रेनकोट, और गर्मी के लिए थोड़े पतले कपड़े लेके निकलना, क्योंकि भाई मौसम आपके लेने के साथ में मत है। आ चुका अपने सुपरस्टार गाड़ी चलाते हुए। चल भाई चला ना गाड़ी, चल कोई पुलिस वाला रोके ना तो बोलना, आगे आगे हेलमेट पहनता हूँ, ठीक है ना। हाँ चल जंगल में लेके आ चुका है ये मार्केट लेने के लिए स्कूल में। ये वाला स्कूल है जंगल में लेके आ चुका है ये, पता नहीं इतना सुनसान कोई मारेगा तो नहीं मेरे को। अरे पुणे सुपरस्टार के साथ आया हूँ रे। चलो भाई इसका काम हो गया, हम निकलते हैं ना, चले यहाँ से घर। अच्छा गाड़ी तू चलाएगा, मार्केट चलते हैं। हाँ भाई चप्पल ठीक करवानी है, चप्पल ये चप्पल को भाई 150 रुपए की ली थी मैंने, 150 रुपए की, और उसको ठीक करवाते करवाते 200 रुपए लग चुके वो चप्पल में। क्या कर रहा है यार, मस्ती में टूट जाती है। फिलहाल निकलते हैं और दिन फिर घर चलेंगे। ले भाई गाड़ी तू चला तेरी, तो सुपरस्टार के हाथों में। फाइनली घर आ चुके हैं और किस हाथ में आए ये हमारा लॉर्ड पुनीत आपको बताएगा। भाई बताओ किस हाथ में, कैसे में आए बता भाई। आधे रास्ते तक गाड़ी तो आए और आधे रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, तो फिर आधे रास्ते में फिर थोड़ी देर गाड़ी धक्का मारा, फिर वापस दोस्त मिल गया था उन्हें रात लगा दी, फिर आधे दूर तक आए, फिर वापस गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो भाई फाइनली घर तक आ चुके हैं। फ्री फायर खेल रहा है एक मैच, फ्री फायर खेल रहा है एक मैच। Hours later. तो भाई जस्ट अभी सो के उठा हूँ और अभी शाम के 5 और अभी थोड़ी देर पहले मानसू कॉल आया था कि भाई मैं आ रहा हूँ और अपने चलना मार्केट। तो भाई 2-10 मिनट का बोल के बंदे आने वाले, बंदे आधे घंटे में ये शकल देखो आपने, क्यूट थी, क्यूट। अबे ये क्यूट शकल है। इसके बाद मीम लगाऊंगा, इसके बाद मीम लगाऊंगा एक। हाँ अबे तो कुछ बोल के नहीं जाते इसके बाद। कहा यार बेटा, फिर से सुन तो, फिर से सामान नहीं उठाऊंगा, फिर से मैं नहीं सामान नहीं उठाऊंगा। तू भी चल रहा है क्या, आ रहा हूँ फिर मैं, चल चलना तो तू लड़ना देखो बनाने दे, मेरे 10-10 बना के दे दू, फायदा बता। मानसू के साथ लेके आया ये सॉफ्टी खिलाने के लिए, पार्टी दे रहा मानसू आज, पार्टी दे रहा मानसू राइस की, थैंक यू सो मच मानसू भाई ने पार्टी दी राइस की। वो ये भाई अपन, ये भी मानसू है, ये भी मानसू है, छोटा मानसू है। पार्टी मेरी तरफ से थी, प्याज निकालते कोरे, कैसे खा रहा तू है? उसको कुछ बोलेगा नहीं, मेरे को प्याज देता है वो मेरा भाई, समझा ना। ब्लॉग में आ रहा तू है ना, ब्लॉग बनाता हूँ भाई, कांग्रेचुलेशन बोल दो, बोलना सब्सक्राइब करो फॉलो करो लाइक करो, अब निकलते हैं, कमेंट करो, कमेंट भी करो, सुन लिया वो बाकी दोस्त जिससे मिलना था, बाकी सब काम पे। तो ओए कूद रहा, मेरे को नहीं पता भाई, मेरे को फुल्की चाहिए सूखी, ये देख भाई, देख बोल के देता भाई ये बंदा, तू हट जा, तू सारे सूखी को दिखा दी मेरी। निकलते भाई यहाँ से, पानी का मतलब तगड़ा हो रहा है, तगड़ा हो रहा है। तो गाइस गुड मॉर्निंग, कल रात को आके मैं सो गया था और घर पे खाना पीना खाया, थोड़ा काम करा और फिर दिन सो गया था, तो फिर अब जाके उठाऊं रात पे सब सोते हैं।
अभी तो रात को ही सोया था, मैं घर आके सो गया था ना, ब्लॉग शूट नहीं कर पाया था ये तो अभी सो के उठा हूँ। और आज जाने का था मेरा वापस घर भोपाल, बट किसी काम से कैंसिल हो गया है, तो कल निकलूंगा मैं, कल निकलूंगा। काम बता पहले, काम बाद में बताऊंगा, पर्सनल काम है वो, घर का काम है, थोड़ा काम है भाई तो निपटाना है। हाँ भाई घर के काम है ना भाई, तो पर्सनल नहीं रहते, पर्सनल तो पर्सनल नहीं देते वो। ठीक है भाई घर के काम है, बस घर के काम है, घर के काम का चक्कर में रुका हुआ हूँ मैं, बस झाड़ू पोछा बरतन ऐसा बोलना। तो भाई रुका हुआ हूँ, आज नहीं कल निकलूंगा, और फिर देन भाई क्या, बस सुबह सुबह हिमांशु और मेरा घूमने का था, तो आज इतने टाइम बाद दोनों भाई सुबह सुबह घूमने आ रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। चले भाई चलो, बाकी मौसम देखो भाई, चलो भाई भाई सुबह के 6 और मौसम देखो कैसा हो रहा है, बारिश वाला, बस बारिश ना हो। अरे पहाड़ दिखाना। अच्छा पहाड़ दिखाना है, चल ठीक है भाई, ये भाई ये देखो भाई मौसम, जूम नहीं करना भाई बेकार हो जाएगा। ठीक है बस ले लिया भाई, यहाँ पे आके सुबह सुबह भाई चिड़ियों की आवाज सुनाई थी, सुनना चिड़िया। अरे हाँ भाई भोपाल में तो यही सुनाई देती ना भाई, गांव में यही अलग वाइब होती है, सुकून सुकून सुबह सुबह। मुझे क्या पता, देखा थोड़ी मैंने आज तक, मेरा शहर वाला हूँ ना, ये कौवा ऐसे दिखता है, ये देखो इधर देख, कौवा ऐसे दिखता है जैसे जो ब्लॉग बनाता है, ब्लॉग बनाता है बेटा वो, तो फिर मगरमच्छ है। चलो भाई यहाँ से निकलते हैं घूमने के लिए। भाई आपको एक मस्त चीज दिखाता हूँ, देखो ये स्कूल देख रहा हूँ, ये रेलवे स्कूल, यहाँ मेरे पापा, चाचा और मेरी बुआ तीनों यहीं पे पढ़ के निकले भाई, इतना पुराना स्कूल है ये, चाचा भी तो पढ़े हैं, इतना पुराना स्कूल है ये, तो ये चाचा भी पढ़े हैं, ये चाचा का भाई ज्यादा है और बच्चों के दोस्त ज्यादा है, ये पुराना स्कूल सोचो, यहाँ पे पापा और मतलब चाचा मेरे पढ़ के निकले, अभी तक ये स्कूल वैसे का वैसे ही है, इतना पुराना स्कूल सोचो। टाइल्स अभी जाके लगी ना, तो अब जाने के बाद तेरे तेरे अपने भाई इतनी चीज में नोटिस करिए, भाई एक चीज में नोटिस करिए, जैसे स्कूल जो स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं वो स्कूल में ना तरक्की हमारे जाने के बाद ही होती है, ऐसा क्यों, ये अन्ना हमारे साथ ही क्यों। फिलहाल भाई यहाँ पे आया वो टाइम मत घूमने, आगे देखो ग्राउंड है, यहाँ बचपन में आ जाते थे कोमांशु, ये 5 रुपए के, ये कैंटीन में 5-5 रुपए के क्या करते थे, समोसे और मैगी, कितने अपन चावल कितने खाते थे यहाँ पे, 20-30 रुपए यहाँ पे भाई चावल खाते, 20-30 रुपए की बचपन में, मतलब घूमने आ जाते सुबह सुबह डेली मॉर्निंग में, अब तो मानसू को भी आता पता नहीं है ना मेरा। फिलहाल चलते हैं यहाँ पे, तो भाई मानसु यहाँ पे बचपन में फुटबॉल खेलने आ जाता ये वाले रेलवे ग्राउंड में, यहाँ पे हम लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे आ जाते थे। अभी ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे जो न्यू रेलवे लाइन निकली है वहाँ पे घूमने आ रहे हैं, और मानसू बोल रहा है ये इटारसी में न्यू रोड बनी हुई है, अब बस ये देखना है कि भाई ये रोड कब तक चलेगी। को मानसु पहले की रोड कैसी थी, कैसी थी कि तुमको तो बाहर से आएगा ना तो बोलेगा कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, तो रोडिंग के लिए बेस्ट चीज थी यहाँ पे भाई, रोड थोड़ी थी रोडिंग करने के लिए जगह थी भाई, ये तो लोगों की डेथ भी हुई है, अपने को वहाँ जो नया वो काय का मतलब न्यू रेल काय की बन रही है, वो जा रही है डायरेक्ट होशंगाबाद, नहीं होशंगाबाद, होशंगाबाद जाएगी क्या, बुधनी से ही कट जाएगी शायद। अच्छा भाई वो न्यू रेलवे लाइन जा रही है वहाँ ऊपर से ब्रिज से, नहीं होशंगाबाद से डायरेक्ट इधर आ जाएगी वो। अच्छा तो भाई जो नहीं आएगी वो, जो न्यू रेलवे लाइन बन रही है ऊपर से वहाँ जा रहे हैं हम लोग ऊपर, अभी वहाँ से दिखाते भाई ऊपर से व्यू, आरसी नहीं रुकती है ना वो डायरेक्ट बैतूल चली जाएगी। सो भाई यहाँ पे ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पे वहाँ से चढ़ के आए थे, वहाँ से ऊपर चढ़े और यहाँ ऊपर आ गए भाई, ये लाइन गई है पूरी वहाँ तक, और ये चढ़ के ये ब्रिज बना है, ये भाई यहाँ से व्यू देखो भाई, इतनी टॉप पे, ज्यादा टॉप पे कमाशी, इतनी टॉप पे भी नहीं हो गई है ना, कितनी ऊंचाई होगी इसकी भाई, ये देखो सामने का क्या क्या फिर से ना होता तो इंजीनियर नहीं बन जाता। तो भाई ये देखो भाई यहाँ से ऊपर का व्यू तो
घूमना हो चुका है। अब यहाँ पे यहाँ से निकल रहे वापस घर। और ये देखो भाई, ये है वहाँ पे रेलवे हॉस्पिटल है ना। कुमांशु तू हुआ था? चलिए भाई, मांशु का जन्म यहाँ पे हुआ था। और जो पहाड़ देख रहे हो वहाँ पे, अब ये वाला पहाड़ यहाँ पे शरद देव, जहाँ पे हम पिछली बार गए थे भाई, पूरा ऊपर तक नहीं चढ़ पाए थे। और यहाँ से अब घर निकल रहे हैं और फिर कल निकलना भोपाल। आप देखते हैं आज दिन भर क्या करना होगा भाई। कल तो सब लोग बाहर थे, नयन भी बाहर था और मांशु भी काम से गया हुआ था। देखते हैं आज फिर कल निकलने वाला हूँ। और एक और चीज़, बचपन से लेके ना अभी तक जितने भी काम, मतलब जो काम के मामले में ना, वो मैं इससे सीखा हूँ। क्योंकि भाई बचपन से ही को मांशु तेरे को बचपन से सब कुछ आता था भाई। बचपन में इतना कितने छोटे होंगे भाई, भी आता था, भाई वो चीज़ आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। जो चीज़ को नहीं आती थी वो मैंने क्या सिखाई है। देखो तू मेरे को बता, अपन जब कितने छोटे होंगे ये बता, जब तेरे को सारा काम आता था। मिनिमम मतलब 8-10 साल के भाई, हम 8-10 साल के थे और मांशु सब कुछ आता था। मतलब सब्जी बनाना आता था और ये सब करना आता था, और मुझे भाई कुछ नहीं आता था, मुझे बहुत सुनने को मिलता था। बट अब तो ऐसा हो गया ना, तो इतना ढीला कैसे हो गया ना मांशु? नहीं एक्चुअली ये ढीला नहीं हुआ है, मेरे को ज़्यादा तेज हो गया हूँ उल्टे कामों में। बाकी जितने भी अच्छे काम है मैंने इससे सीखे, और जितने बुरे काम है, मतलब जो उल्टे सीधे काम है, वो इससे मुझसे सीखे। मतलब सीखे नहीं है, मतलब ऐसा है कि जो थोड़े उल्टे काम है वो, मतलब थोड़ा तेज मैंने इसको करा है। अरे तो पापा घर पे हैं तो भाई जितने भी उल्टे काम थे भाई, वो सब मेरे हिस्से में थे, और जितने भी सीधे काम थे वो सब इसके हिस्से में थे। ओ भाई यहाँ पे मेरा बर्थडे मनाया गया था, ये यहाँ पे ग्राउंड में। इतने कामों का पिटारा मैंने खुद रखा है। केक भी बहुत तगड़ा था भाई, वो याद है अभी तक मुझे। सही चलना तो फोटो भी है मेरे पास बहुत पुरानी। लाल भाई यहाँ से निकलते घर पे, और पटरी के साइड घूम रहे लोग, गलत समझे अपने को। मिला बट इतनी कठिनाई से आने वाला, आपको दिख वाली छोटा रहा है पर बहुत ऊंचा भाई है। ये हमारे से फिसलते हुए, ये खतरों के खिलाड़ी सस्ते वाले चलते भाई वापस घर। मजा आया मांशु? ना। तो भाई आपको जिस दोस्त बुलाने वाला तनिष से, वो ये रहा भाई तनु, ये रहा भाई। भाई ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिए, जाके लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। बिल्कुल भाई, ये सुन के भाई यार काम पे इससे मिलने के लिए भाई इतने टाइम से। अरे रुक जा, मेरे को तो बात कर लेने दे। अरे रुक पहले चुप, मैं कुछ बोले आ रहा हूँ, ये बीच में डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को। लग गया तू मोबाइल क्यों है, क्या बुरा लग रहा है क्या? नहीं अच्छे लग भाई। ये बंदा था जिससे मतलब बहुत टाइम से मिलने का था, पर भाई साहब काम में बिजी थे। 8 बज गया मुझे पहुंचना। चलो ठीक है, आगे मिलना फिर, आज पक्का मेरे शाम को ना। अपन को ना मोहली पहुंचना है। बात से आया था फिर घर पे आया हूँ, और थोड़ा काम वाम निपटा है, और उससे मिलने के लिए आया मेरे फ्री फायर के पार्टनर शर्मा। का खेल रहा है, क्या बोल रहा है साले सुंदर? क्या बोल रहा है तू? है क्या बोल रहा है? बोल दे रहा फिर से। ये वो इधर 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 बेटा, बहुत मारूंगा भग गया तो। इधर इधर इधर, अब शर्मा रहा है। इधर 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 इधर, बहुत मारूंगा बेटा मिल गया तो। इधर क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था? है इधर गौरव भाई को, क्या हाल चाल? ये अपने गौरव भाई हैं, बचपन के दोस्त। अरे मत पूछो यार, दो मिनट की खबर ले लो यार। ये शक्ल दिखा दे पहले तू यार, ये मेरे फिलहाल के पार्टनर है। अभी क्या बोल रहा था मुझसे? हाँ ना ब्लॉग बना रहा हूँ इनका, ये तेज चल रहा था ना। अब बोलना है, कुछ बोल रहा था तो हंस रहा था, कुछ बोल रहा था तू मुझसे मिलने के लिए? ये अबे तेरा मुंह की छुपा रहा, तेरी थोड़ी कपड़े तेरे फाड़ दिए मैंने। दो मिनट रुक, तेरे कपड़े फाड़ दिए क्या तेरे? है तेरे को बेइज्जती करी तेरी? क्या वैसी भी इज्जत नहीं है तो भक्का खेल रहा है तू? भाग नहीं रहा। हाँ चलो बेटा, मैं दीवार गिरी तेरे को गिरा दूंगा फिर। देखो मैं दीवार का देखो गिराऊंगा फिर उठाऊंगा, गिराऊंगा देखो फिर उठाऊंगा तेरे को, और गिरा के उठा के फिर मारूंगा तेरे को मैं। ये गिर जाऊंगा। उतर जा वहां जल्दी, उतर जा, उतर जा। अभी जरा सा बैलेंस करो, जरा सा बैलेंस। ये सर फूटता ना तेरा अभी ऐसा। इसको लेके अपने मोटू भाई, अरे घर के अंदर जा तू। आ गई के लिए पहले मैं घर पे गया था, पहले फ्री फायर खेलने आया कि गेम खेल? खाना दे दो थोड़ा। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है साले सुअर? हैं क्या बोल रहा है? इतना मारूंगा ना तेरे को, बता खेला नहीं खेला फ्री फायर जल्दी था? हाँ अबे सारे खुद ही बच्चा अभी, जल्दी आ खेला रे, पता खेल रहा कि नहीं? कैमरा पकड़ो जरा इसकी, बताऊं मैं इसकी तो। मेरा तेज चल रही है,
मार्स को तेज चल रही है, मार्स को अबे क्या डर रहा है उससे रे माँ। और अब तो ये मार्स को तेज चल रहा है, तेज चल रहा है। अब पता करें नहीं ढूंढना चाहिए, हड़िया दूर वहां से इधर आके लड़ आ लड़ इधर मार्स को हाँ लगे। अरे वो इधर मत घुमा देना, एक ही मोबाइल है। हाँ लगे चल रख दे लग जाएगी लग जाएगी। रहने दे छोड़ दे। मेरा दोस्त नहीं आया तो इन साथ ही मस्ती कर रहा हूँ थोड़ी। क्या बोल रहा है लगे देखो चाचा का मजा। ये वो डरता है ना मार खाने से, वो तेजी बहुत चलता सब लोगों से। लगे अरे चिपका दिया, मैं नहीं छोड़ता इतने में तो। अरे अरे छोड़ दे भाई, छोड़ दे अरे छोड़ दे ऐसी मस्ती करते थे ये लोग। छोड़ दे दिन भर से कॉल करने के बाद शाम को अब जाके आ रहे। तो भाई तुम एटीट्यूड किसको दिखा रहे हो, ये स्मार्टीनेस कहीं और जाके दिखाना। क्या बोल रहा है ये, ओए क्या बोल रहा है, तूने बाल कटवाए? सुन तो, तूने बाल कटवाए? ओए कुछ पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा ऊपर आके जवाब देगा भाई, ये गुस्सा होने वाला है। इसके साथ वहाँ नहीं गया था, अभी आ रहा था कुछ काम से, इसके साथ वहाँ नहीं आ पाया था। इस चक्कर में थोड़ा चक्कर देखते बाल कटवाए। मैं आपका दिन भर से फोन कर रहा हूँ, मैं कुछ शर्म लज्जा कुछ है कुछ बोलो इससे अच्छा कि ये भाई बहन के भैया को ठीक है। अबे तो भाई देख घर पे काम था, चक्कर भी नहीं आ पाया था इसके पहले। देख तुझसे हाँ बोला भाई, कहीं जाना था हमें, मतलब नेक्स्ट डे। वो मैंने इसको मतलब रात में, तू बॉर्डर लगा क्या जाना था, मैं डर जाऊंगा बॉर्डर काम की हो बॉर्डर काम की हो, क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है? चल आप चलते, अपन चलते जामुन तोड़ने। बेबी को फोन लगा, बेबी नहीं फोन नहीं उठा रहा। मत रख नीचे है, दारू पीने का है उसको, इधर रख। वो बड़े लोग का इधर रख। कहा हुआ था, कहाँ बच्चों भी चालू होता भाई। अपन बहुत नीच किस्म के इंसान है भाई, अपन अपन शर्म नहीं आती कि जिसको जिसने करी शर्म उसके उठे कर रहा हूँ, अपन शर्म नहीं कर रहा। बहुत अच्छा है। हाँ ना भाई देख रहे हो, ये देखो भाई यहाँ से व्यू वाली अच्छी लड़की है। तू ऐसी चीज मत बोला कर रहे तू, ओए ये क्या फैमिली व्लॉग है, फैमिली व्लॉग सॉरी आप बहुत अच्छी करने आ रहे चले तू को शर्म नहीं आती तेरे को ना, शर्म बेच खाई सही करा तूने, तेरी शक्ल पे सूट भी नहीं होती शर्म। मेरी भाभी दंड दिखा दंड। अबे तेरी भाभी की मतलब तेरी भाभी, अच्छा मेरी भाभी यार दंड दिखा ये दंडो। वो दिन डलने वाला कल शाम को 4 बजे, तेरा बर्थडे वाला व्लॉग शाम को 4 बजे डलने वाला कल। हाँ कल शाम को 4 बजे, बिकॉज यार लेट हो गया था ना, देखते हैं इसको देख के क्या रहेगा। मार मैं तो सेन नहीं करता, देख हाँ मार मैं तो सेन नहीं कर पाता, मैं तो सेन ही नहीं करता। दो मार हमार लगे, अबे इतना सेन थोड़ी करता मैं, 3 मार दी उसने। ओ मार, अबे क्या कर रहा है तू इतने धीरे धीरे, लगे ना। हाँ लगा क्या, फिर से बोल, डाले बोल क्या है सारे सुअर है। चप्पल लेके भग गया भाई की, मुझे क्या पता कोई सा था। जाऊंगा ले, जा चप्पल लेके जा उसके पीछे जा। ये आज छोड़ू ना, बहुत तो चलता ना तू,
तेरे साथ खेलने के लिए आया है ये बोल बोल तेज चलेगा तू तेज चलेगा तू तेज चलेगा सॉरी बोल तेज चलेगा भाई इसको कुछ बोलता हूँ ये बड़ा खुश होता अंकुश को है देखो बड़ी खुशी होती है ये तेज चल रहा है तो इसको मारेगा फिर तू मार पक्का सॉरी बोल पहले सॉरी बोल अब करेगा मुझसे तेज चलेगा तू पहले मुझसे बोल तू मुझे भाई वो उठा के लिया क्या ये टाइम उठा के लिया सुन 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 पहले बता मुझसे तेज चलेगा तू अब हाँ भाई ठीक है सॉरी बोल पहले मेरे को भाई ये मुझसे मुझसे तो चलता है ये मुझसे मारेगा उसको मारेगा ना तू पक्का जा मार उसको जा ये छोड़ दे जा जा मार उसको जा लगे उसमें लगे भाई इसको भिड़वा के मैं लेता हूँ भाई मैं सहन नहीं करता इतनी मैं सहन नहीं करता इतनी लगे 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 अरे अब माचिस गुस्सा नहीं लाल भाई थोड़े और बच्चे आ जाए फिर चिंगे बिंगे साथ खेलेंगे ये वाले ग्राउंड में लगे 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 बेटा सुन रहे सुन 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 इतनी उठाना जितनी बस की हो दादा उठाएगा ताकत निकल जाएगी कहीं और से हाँ चल तू बेड़े इधर चल बेड़े इधर आज तो कंटेंट की भरमार हो गई भरमार ओ फिर दे दी उनने बहुत तगड़ा यार